ओ तो तुम ही हो जिसे उलटा नहीं उड़ाने आता है। यार तुम तो गुस्सा हो गए भाई, मैं तो मजाक कर रहा था भाई। तो चिंता न क्यों करने का, तो आज अपन बताएंगे कि भाई आप लोग इलाइट्रा को मस्त तरीके से कैसे उड़ा सकते हो, भी इजी पीजी, बहुत ही इजी तरीके से भाई। तो अपन आज पूरा पूरा डिटेल, जितनी भी सारी चीजें इश्यूज होती है ना, वो सारी सारी चीजें इसमें कन्फर्म करेंगे। तो चलो फिर इसी बात पे फटाफट से वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो भाई लोग। अगर आप लोग को इलाइट्रा उड़ाना था भाई, आपके पास दो चीज होना चाहिए। सबसे पहले फायर पक, ठीक है, जो की तुम्हारा बनता है अपने गन पाउडर और पेपर से, ठीक है। तो इसको तुम इजी पीजी क्राफ्ट कर सकते हो। इसके बाद आपके पास होना चाहिए इलाइट्रा, जो की अपने को मिल सकता है एंड सिटी में, जो कि एंड शिप से मिलता है, ठीक है। अब भाई जिसको नहीं पता मैं बता दूं, एंडर ड्रैगन को मारने के बाद आपको एंड सिटी में जाने का मौका मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इलाइट्रा को आप किस प्रकार से पहन सकते हो। तो सिंपली आप पहले तो ऐसे पहन सकते हो, नॉर्मली यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल लो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा प्रो लेवल का पहनना भाई ना, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपनी उसको हाथ में लेना है, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है, जिससे तुम्हारा जो इलाइट्रा ना अपने ऑटोमेटिक तुम्हारे चेस्ट के मतलब पीठ के ऊपर चला जाएगा। बोल दो इसको आप कीप कर लेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस रखना है, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करोगे, ये इलाइट्रा अपन पहन लिया, लेट्स गो भाई। तो अपन आ चुके अपने सेकंड पर्सन में। यहाँ पे अपन स्टेप वन बताएंगे भाई कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपने को प्रैक्टिस, ठीक है, सबसे मेन आपको प्रैक्टिस करना भाई। और एक और चीज भाई, तुम लोग को अपना जो एम है ना वो थोड़ा हाइट पे रखना है, एकदम डायरेक्ट तुम नीचे कर देते हो, काफी सारे बंदे नीचे कर देते, जिसकी वजह से उनका जो इलाइट्रा ना भाई जमीन में लड़के उनके मुंह फोड़ देता है, ठीक है। इससे बेस्ट तुम्हारा थोड़ा सा तुम ऊपर रखो, जिससे तुम इजी पीजी इसको प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे तुम अपने जंप बटन पे क्लिक करके इलाइट्रा को एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैं नॉर्मल एक सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, जिससे तुम्हारा इलाइट्रा एक्टिवेट होकर डीएक्टिवेट हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करूंगा डबल क्लिक, अब देखना, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और देखना इलाइट्रा अपना कैसे एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो देखो थोड़ा फास्टली किया मैंने, जिससे तुम्हारा जो फास्ट मतलब बोले तो जो तुम्हारा इलाइट्रा फास्ट एक्टिवेट होता है और काफी देर तक रहता है। वहीं अगर तुम सिंगल क्लिक करते हो भाई, तो तुम्हारा इलाइट्रा एक्टिवेट होता है बट तुरंत ही तुरंत वो डीएक्टिवेट भी हो जाता है। तो मोस्टली वाले मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, तुम लोग जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो भाई अपने जंप बटन पे दबाने की भाई, जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट दबाओ, जिससे तुम्हारा स्पीड बढ़े और एटलीस्ट दो बार मतलब लगातार क्लिक कर सको, ठीक है। ओके तो बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की ओर। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे थोड़ा हाइट पे, और हाइट से अपन उड़ के दिखाएंगे भाई, ठीक है। तो ये रहा अपना इलाइट्रा, ये रहा अपना रॉकेट, रेडी जाओ भाई। अपने को ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ना है और जंप बटन पे क्लिक करके डबल पार, थोड़ा फास्टली रॉकेट हाथ में लेना है, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना, ठीक है। दीवार साइड जैसे साइड मतलब लकड़ी से लॉन्ग प्रेस करने भाई, तुम लोग देखो मैं मस्त करके इलाइट्रा उड़ा रहा हूँ भाई, तुम लोग भी ऐसे मस्त इंजॉय कर सकते हो। बट या इस चीज का हमेशा ध्यान रखना भाई कि बहुत फास्टली तुम्हें जंप बटन पे क्लिक करना पड़ेगा दो बार, ठीक है। बस दो बार से ज्यादा नहीं, अगर दो बार से ज्यादा करते हो तो भी कोई इशू नहीं वाली बात हो नहीं होगी, बट वही चीज़ें थोड़ा सा ज्यादा ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो आई विश आप लोग को स्टेप वन और स्टेप टू अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर कोई मतलब इस चीज में इशू हो रहा है तो आप लोग उसे कमेंट में जरूर बता सकते हो कि भाई आप लोग को इस बात का इशू हो रहा है, तो उसको मैं जरूर सॉल्व करूंगा। अब बढ़ते हैं अपने स्टेप थ्री की ओर। आपको स्टेप थ्री करने के लिए आपको स्टेप वन का यूज करना पड़ेगा भाई। तो देखो यहाँ पे मैं डबल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे लगातार मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो कुछ इस प्रकार से इशू आप लोग को देखने मिल रहा होगा, मतलब एक्टिवेट होकर थोड़ा सा तुरंत ही डीएक्टिवेट हो जा रहा है, बट यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके छोड़ रहा हूँ, तो काफी देर तक लाइटर जो अपना वो एक्टिवेट रह के रह जा रहा है, ठीक है। अब इसको स्टेप फोर का नाम दे सकते हैं, जो कि अपना है मतलब ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्ट स्काई में, क्योंकि काफी सारे बंदों का सवाल था भैया ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्ट स्काई में कैसे उड़े अपन, ठीक है। चलो कुछ कुछ आपको बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपका जो एम देखने का है ना, वो भाई वो चीज हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारा देखने का तरीका है वो कहाँ पे जाता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे बंद करेंगे डबल टैप अपने जंप बटन पे, और यहाँ पे अपने रॉकेट्स को एक्टिवेट कर लेंगे भाई लॉन्ग प्रेस करके। तुम लोग अच्छे से याद होना चाहिए भाई, लॉन्ग प्रेस से जो अपना वो है रॉकेट्स वो एक्टिवेट होता है, खासकर जब इलाइट्रा हाथ में हो, तो भाई अगर ऐसे नॉर्मली करो भाई कुछ नहीं होने वाला, तुम जाके जमीन पे भिड़ जाओगे, ठीक है। ओके तो अब मैं बताने वाला हूँ कि भाई अगर तुम अगर अपना एम जो है वो तुम अगर उस पर रखते हो, जमीन की साइड में रखते हो, तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। ओके अभी देखो मेरा एम थोड़ा जमीन की ओर साइड है, अब देखो मैंने इलाइट्रा मारा बट ये डीएक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब देखो भाई मैं सेम वही प्रोसेस करूंगा, थोड़ा सा हाइट पे रखूंगा, एक मिनट इधर नहीं, इधर अपने को बेस्ट रहेगा, क्योंकि भाई देखो ये साइड का एरिया प्लेन है, उधर का थोड़ा खाल मतलब खालू है, देखो ये भी सेम वही है, मतलब जो तुम्हारा एम है ना वो अगर ऊपर में रहा, इतने की हाइट पे रहा, इतने की हाइट पे भी रहा, तो भी काफी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा ऊपर और रखते हो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेस्ट होगा उड़ने में, इजी पीजी उड़ पाओगे, ठीक है। तो भाई लोग आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, हाउ टू यूज इलाइट्रा कमेंट जरूर बताना। अगर वीडियो देखिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं हो या से सब्सक्राइब कर ले भाई लोग। एंड हाँ तुम लोग कमेंट जरूर बताना भाई, तुम लोग को इलाइट्रा यूज करने आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो भाई क्या रीजन है उसका, कमेंट ये भी जरूर बताना भाई, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, गुड डे, और हाँ थाम्बा देखा के जरूर जाना।